हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और इसके बाद मैं आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट्स क्या है, यानी फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनते हैं। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, और ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले बनता है, और ग्लूकोज के बनने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है, क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या मैकेनिज्म है। तो फोटोसिंथेसिस में मैकेनिज्म जो है वो सबसे पहला स्टेप ये है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना। ये आप पहले से जानते हो कि लीफ में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल जो है एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट्स के पार्ट को क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट प्रोसेस यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोलर एनर्जी का, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, और कौन करेगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड स्टेप जो है वो है लाइट एनर्जी, क्योंकि आप जानते हो कि सोलर एनर्जी क्या है जी, तो लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी इस प्रोसेस में क्या होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड मैकेनिज्म ये है कि इसमें लाइट एनर्जी क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। और इसके साथ साथ क्या होगा, तीसरा स्टेप होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी इस लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो इस चेंजेस में क्या होगा, उस पीरियड में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर का ब्रेकडाउन होता है, और वाटर के ब्रेकडाउन होने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप है, आप इसको थर्ड मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, अप टू स्टैंडर्ड क्लास 10। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या लिखा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल।
सेकंड हम लोगों ने लिखा कि लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और सनलाइट क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड क्या है, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, वाटर ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। और इस वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप होगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वह कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी CO2 और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या लिख लेंगे, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, फोर्थ स्टेप हम लोग लिखेंगे कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये फोर स्टेप्स हैं, देयर आर फोर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सन सोलर एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। सेकंड वन इज लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट मींस वाटर इज ब्रेक डाउन टू स्प्लिट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड फोर्थ वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। एज यू नो स्टूडेंट्स, इन फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट इज सिंथेसाइज्ड एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन और सिंथेटिक रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस इज द एनाबॉलिक प्रोसेस, ओके। इसके बाद हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। और वो एक्सपेरिमेंट्स है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, जैसे सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों इसेंशियल है, या सेकंड आप लोग प्रैक्टिकल में भी इसको अपने स्कूल में आप देखेंगे, वहाँ आपको स्कूल में भी बतलाया जाएगा। तो इसमें और भी स्टडी किया जाएगा कि ऑक्सीजन रिलीज होता है तो कैसे होता है, CO2 क्यों इसेंशियल है, CO2 ज़रूरी कैसे है, वाई CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है। और इसमें टेस्ट भी है, स्टार्च का टेस्ट। तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, तो इसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तब तक अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आए तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। ओके, थैंक्स।